के लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की खबर के बाद हंगामा बरपा हुआ है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। तिरुपति बालाजी मंदिर में आस्था के साथ खिलवाड़ को लेकर लोगों में गुस्सा है। प्रसादम के लड्डू में चर्बी मिलावट को लेकर श्रद्धालु आक्रोशित हैं, तो वहीं पूरे विवाद पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और इस मामले में रिपोर्ट मांगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें, उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, सूटेबल एक्शन विल बी टेकन। केंद्र सरकार के अलावा देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों ने भी मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। अब जांच का सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। कांग्रेस पार्टी इज टेकन अपॉन इटसेल्फ वेरी सीरियसली, वी आर डिमांडिंग अ सीबीआई इंक्वायरी इनटू दिस इश्यू बिकॉज इट इज नॉट अ स्मॉल इश्यू, इट डज नॉट पर्टेन टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल बट टू क्रोर्स ऑफ पीपल। उधर साधु संतों ने भी प्रसाद में मिलावट को करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करा दिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जो भी घटनाएं हुई है, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है। प्रसाद में कोलेस्ट्रॉल किया था ना, एनिमल कोलेस्ट्रॉल यूज किया था ना, उसका ऊपर वो एविडेंस से आधार के लेकर पूरा उनको सजा देना है। और गवर्नमेंट से मैं एक ही डिमांड कर रहा है, ये पूरा सीबीआई इंक्वायरी कर से जो दोषी है उनका जरूर सजा देना है। इसी बीच तिरुपति मंदिर के पूर्व पुजारी ने भी 5 साल से मिलावटी घी का इस्तेमाल करने की बात कही, जबकि मंदिर प्रशासन ने भी माना कि पिछली सरकार में सस्ते घी का इस्तेमाल किया जा रहा था। Most important ingredient used in the preparation of prasadams. So now they have already purchased pure cow ghee from government dairies and they are preparing foods, food material to the god with the pure ghee now. Any deviation in the quality will cause this called doing apavitram. तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिलावट को लेकर सबसे पहले आरोप चंद्रबाबू नायडू ने लगाए थे, जिस पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट ने मोहर लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जिस घी का इस्तेमाल प्रसादम के लिए किया गया उसमें मछली के तेल और चर्बी मिलाई गई थी। तमिलनाडु की AR फूड्स नाम की कंपनी ने घी की सप्लाई की थी। खुलासे के बाद पूर्व की जगन सरकार सवालों के घेरे में है। The worst part is, why did Chandrababu Naidu resort to such practices? He knows very well that during the course of these 100 days, Chandrababu Naidu failed on every promise what he made to the people during his election campaign.